नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यह तस्वीर देखकर आप हैरान मत होइए, क्योंकि आज जिस हम विषय पर बात करने वाले हैं वो विज्ञापन की दुनिया है। हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग्य लेख है, विज्ञापन में बिकती नारी। और वो व्यंग्य लेख उनका उनके व्यंग्य निबंध संग्रह है निठल्ले की डायरी में संकलित है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जे विज्ञापन निर्माता जो हैं, एडवर्टाइजमेंट मेकर्स जो हैं, वो आज इस दुनिया में जो पुरुष प्रधान जो है ना समाज है हमारा, उस पर पूरा का पूरा काबू कर चुका है, नियंत्रण कर चुका है मानसिक रूप से पूरा का पूरा जो विज्ञापन जगत। और जे विज्ञापन संसार जो है वो पूर्णतः यह समझ चुका है कि औरतों अर्थात सुंदर औरतें तो सुंदर ही ली जाती हैं उन विज्ञापनों में, तो सुंदर औरतों की किस प्रकार से महत्वता जो है वो बढ़ चुकी है, इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी हैं, और उन्हीं को इनको इन इन विज्ञापन में लिया जाता है, है ना। तो हम देखते हैं रोज़ कोई पंखे का है, कोई एसी का है, हालांकि उसमें पुरुष भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा सुंदर स्त्री हो तो ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है उन विज्ञापन में आपका। तो अभी आपको पता ही है कि पुरुष ही हमारे समाज में अत्यधिक कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, समाज बदल चुका है, स्त्रियां भी जा रही हैं, लेकिन पुरुषों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो वही चूज़ करते हैं, वही चुनाव करते हैं कि घर में कौन सी वस्तु आनी चाहिए। तो अक्सर फिर इन विज्ञापनों को ही देखा जाता है। अभी इस विज्ञापन को ही देख लीजिए तो है ना, किस प्रकार से अभी कोलगेट प्राइवेची बन गया है टूथपेस्ट का, दंत मंजन का जो प्राइवेची शब्द है वो कोलगेट बन गया है, हालांकि ये एक ब्रांड का नाम है। और जब भी हम जाते हैं किसी दुकान के ऊपर ग्रोसरी की जे सामान लेने के लिए, टूथपेस्ट वगैरह लेने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या कहते हैं उनको कि कोलगेट दीजिए, ये नहीं कहते कि दंत मंजन दीजिए या है ना कोई टूथपेस्ट दीजिए। तो आज इसी तरह से जो विज्ञापनों में सुंदर स्त्रियों का प्रयोग किया जाता है, इसने पूरे समाज को नियंत्रण कर लिया है। हमें लगता है कि ये सामान बिल्कुल सही होगा यदि यदि इसमें ऐसा मतलब स्त्रियों को दिखाया गया है, मतलब बहुत अच्छी सुंदर कपड़े पहने होते हैं, बहुत अच्छे लहजे से बात कर रही होती, ऐसा नहीं। यदि मतलब अगर आप देखें ना साथियों, मैं आपको शायद समझा पा रहा हूँ अच्छी तरह से, यदि आप देखें किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, चाहे वो आप आईलेट्स में जाओ, चाहे आप वीज़ा लगाने दफ्तर जाओ, है ना, जो भी इमिग्रेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी अक्सर लड़कियाँ बैठी होती। तो बस ये दिमाग को आप आपके काबू को काबू में करना है उन्होंने, तो बस ये ऐसी चालें चली जा रही। तो कुछ विज्ञापन आपको मैं बताऊँगा, बहुत सारे विज्ञापन हैं, बहुत कम मुझे मिले हैं फोटोग्राफ्स, तो देखते हैं। ये देखिए मैगी, अमिताभ बच्चन भी देते हैं हालांकि इसका विज्ञापन, लेकिन जब इनको देखा जाता है तो भाई फिर तो खाएंगे ही सब लोग। तो जे पुराना एक ऐड में लेकर आया हूँ, अभी इस अभिनेत्री का मुझे नाम नहीं मालूम, अगर पता होगा तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। तो जे मर्फी जो एक प्रकार का रेडियो हुआ करता था, जे उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था, पुराने समय की बात है, भी हरिशंकर प्रसाद जब लिखा करते थे उस वक्त टी वी पर ऐड कम ही आया करते थे, आया भी करते थे तो पुरानी एक्ट्रेस के, और उस वक्त तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो ऐड कोई पोस्टर है तो देख लीजिए, ठीक है। अभी ये देख लीजिए माचिस के ऊपर, मतलब जो माचिस है उसके ऊपर ये ऐड है, सुंदर स्त्री है, मेरे ख्याल से ये भी मुझे देखी हुई लग रही है, कौन है जी, रेखा है क्या, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो किस प्रकार से आपके दिमाग को काबू में कर लिया जाता है इन ऐडों को दिखाकर, इन विज्ञापनों को दिखाकर। ये लक्स का है, लक्स साबुन जो आज भी बिकता है, कभी ऐश्वर्या राय बच्चन कर रही हैं ऐड, कोई कर रहा है अभी, तो तब से ये पुराना ब्रांड है, देख लीजिए। अभी ये था डाबर आंवला तेल स्त्रियाँ, अभी जहाँ पर देख लीजिए जो कोई टूथपेस्ट है इसमें भी स्त्री की इम्पोर्टेंस बताई गई है, और इसमें तो देख लीजिए आप, इसमें तो चॉकलेट तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब दिमाग जो है काबू में कर रखा है भाई। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है आज इन्हीं विज्ञापनों के लिए, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, चाहे आपकी सेहत के साथ जितना मर्जी नुकसान हो, तो कुछ देख ही रहे होंगे आप। तो ये तो रहे, और ये ऐड जिसमें गोरा बनाने के दावे किए जाते हैं, और मतलब
अगर आदमी काला है तो क्या? आपको बताया कि बाहर के देशों में अगर ऐसा कोई आ जाए ना कि दावा करने वाला कि गोरा कर देंगे 14 दिन में, तो वो केस कर देते हैं अंग्रेज़ लोग, और जीतते भी हैं, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने जीते भी हैं केस के दौरान। मतलब जो जो विज्ञापन है झूठ बोलता है अक्सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो रंग है वो यही रहेगा, बस थोड़ा सा ग्लो कर सकते हैं, चमक दे सकते हैं, लेकिन यदि रंग ही काला है तो उसमें कितना कितना हम सांवलापन दूर करें। तो बस यही है। तो विज्ञापन में किस प्रकार से आज नारियों सुंदर स्त्रियों का प्रयोग होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हरिशंकर प्रसाई ने क्या लिखा है अपने उस लेख में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा तनिक। क्या कह रहे हैं कि उस दिन, मैं शुरू से नहीं पढ़ रहा हूँ, बीच में से कुछ पंक्तियाँ लाया हूँ, जो अच्छा लगा मुझे पहला वही आपको सुनाऊँगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उस दिन भविष्यफल मतलब अखबार देख रहे हैं तो उसमें जो राशिफल होता है उसको भविष्यफल, उस दिन भविष्यफल पढ़ते ही मैं तंगी पैदा करने निकल पड़ा। पास में कुछ रुपए थे, ये अगर बने रहे तो ग्रह कहीं से पैसा नहीं दिलाएंगे, मतलब जो हमारे ग्रह होते हैं ना वही। मैंने तय किया एक पंखा खरीद कर तंगी पैदा कर ली जाए, मतलब क्यों ना अपनी जेब ढीली की जाए और तंगी आ जाएगी इससे। मैंने अखबार में पंखों के विज्ञापन देखे, हर कंपनी के पंखे के सामने स्त्री है, एक पंखे से उसकी साड़ी उड़ रही है और दूसरे से उसके केश। एक विज्ञापन में तो सुंदरी पंखे के फलक पर ही बैठी हुई है। मुझे डर लगा कहीं किसी ने स्विच दबा दिया, तो ऐसी बदमाशियां आजकल होती रहती हैं। मैं सुंदरी के लिए बहुत चिंतित हुआ। पिछले साल मेरा एक महीना इसी ऐसी ही चिंता में कटा था। एक पत्रिका ने मुख पृष्ठ मतलब पहला पन्ना सजाने के लिए चित्र छापा था। तीसरी मंजिल की खिड़की पर स्त्री पैर लटकाए बैठी है। मैं परेशान हो गया, जरा सा झोंका आए तो जय गिर पड़ेगी। रात को एकाएक मतलब अचानक नींद खुल जाती है और मैं सोचता पता नहीं उसका क्या हुआ, कहीं गिर तो नहीं पड़ी। अगला अंक जब आया और मैंने देख लिया कि लड़की उतर गई है, तब चैन पड़ा। सोचा यही पंखा खरीद लूं, स्त्री को उतार कर घर भेज दूं, पहुंचा दूं और कहूं बहन जी इस तरह पंखे पर नहीं बैठा करते, पंखे तो बिक ही जाएंगे, तुम उनके लिए जान जोखिम में क्यों डालती हो। मतलब किस प्रकार का व्यंग कर रहे हैं देख लो। मैंने बहुत पंखे देखे, किसी के सामने कोई पुरुष बैठा हुआ हवा नहीं ले रहा है। कोई पंखा कोई पुरुष इसलिए क्यों खरीद ले कि उससे सुंदर स्त्री की साड़ी उड़ रही है। अगर उसका पुरुष पर कोई असर ना हो तो धोखा हो जाएगा। लेकिन कामोवेश हर चीज का यही हल है। टूथपेस्ट के इतने विज्ञापन हैं मगर हर एक में स्त्री ही उजले दांत दिखा रही है। एक भी ऐसा मंजन बाजार में नहीं है जिससे पुरुष के दांत साफ हो जाएं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश का आदमी मुंह साफ करता ही नहीं। यह सोचकर बड़ी घिन आई कि ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जो मुंह भी साफ नहीं करते। इस विज्ञापन में लड़के ने एक खास साइकिल खरीद ली। पास ही लड़की खड़ी है, बड़े प्रेम से उसे देखकर मुस्करा रही हैं। अगर लड़का दूसरी कंपनी की साइकिल खरीद लेता तो लड़की उससे कहती, हटो, हम तुमसे नहीं बोलते, तुमने अमुक साइकिल नहीं खरीदी, मतलब जो एड में थी। यह एक और लड़की है जो प्रेमी को एक खास सिगरेट पिलवा रही है। वह सिगरेट पी रहा है और यह मुग्ध भाव से देख रही है। तू यह मत समझ लेना कि मैं तेरे रूप और गुण पर मुग्ध हूँ। मैं तो इसलिए तुझे प्यार करने आई हूँ कि तू यह सिगरेट पीता है। जे चार पांच सुंदरियाँ उस युवक की तरफ एकटक देख रही हैं। सुंदरियों, तुम उस युवक पर क्यों मुग्ध हो? वह सुंदर है इसलिए,
नहीं, वह सुंदर नहीं है, बल्कि वह तो किसी खास ब्रांड का सिगरेट पी रहा है। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से सुंदर स्त्रियों की प्रयोगता जो है उपयोगिता बढ़ गई है। आज यही बताना चाहते हैं हरिशंकर प्रसाई जी, चाहे वो फैन का है, मतलब पंखे का है, चाहे एसी का है, चाहे सिगरेट का भी है, तो मतलब अगर बाइक का भी है तो उसमें भी लड़कियां आज दिखा रहे हैं। तो अच्छी बात है, लड़कियों को भी बाइक वाइक चलानी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को नहीं लाना चाहिए, बल्कि ये कि सुंदर स्त्रियाँ ही क्यों, मतलब है ना, ये कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से दिमाग को काबू में किया जाता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट ही हो, अच्छे अच्छे स्टूडेंट, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं ना वहाँ पर दिखा देते हैं हाथों में किताब पकड़े हुए अपने पैम्फलेट के ऊपर, तो ये दिमाग को नियंत्रित किया जा रहा है, अंदर कुछ भी नहीं होता है उनके, मतलब वहाँ इंस्टीट्यूट में जाओ या कोई ब्रांड खरीदो, कुछ भी नहीं होता, खास कुछ भी नहीं लगेगा, बस दिमाग को बता दिया जाता है कि दे आर बेस्ट, दे आर ब्यूटीफुल। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। तो साथ ही ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए तनिक, ये लास्ट पैरा है, इसके बाद हम बंद करेंगे, तो वही बता रहा हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और बताना चाहिए। क्या लिख रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, तो देखते हैं। मैंने कोई विज्ञापन ऐसा नहीं देखा जिसमें पुरुष स्त्री से कह रहा हो कि यह साड़ी ना, यह स्नो खरीद लो, अपनी चीज़ वह खुद पसंद करती है, मगर पुरुष की सिगरेट से लेकर टायर तक में दखल देती है। ऐसा लगता है सारी अर्थव्यवस्था पर नारी सौंदर्य ने कब्जा कर रखा है। मैं नहीं जानता स्त्रियां इन विज्ञापनों में अपने रोल के बारे में क्या सोचती हैं, मगर इनसे यह निष्कर्ष निकलते हैं, इस देश की सारी सुंदर स्त्रियां कंपनियों की नौकरानियां हैं। उनका काम कंपनी की तरफ से पुरुष को फुसलाना है। सुंदर स्त्री के जीवन का महान उद्देश्य किसी कारखाने का माल बिकवाना। सौंदर्य की परिभाषा, सौंदर्य स्त्री की वह मोहनी शक्ति है जिसके वशीभूत होकर पुरुष रद्दी सामान खरीद लेता है। इस देश का पुरुष बोर्डम है, उसे किसी चीज़ की परख नहीं, उसमें सुरुचि का भी अभाव है। स्त्री सिगरेट और टायर के मामले में भी विशेषज्ञ होती है। इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है, वह जो चीज़ बता देती है उसी को खरीद लेता है। स्त्री अपने उपयोग के किसी सामान में पुरुष को दखल नहीं देने देती। वह साड़ी अपनी इच्छा से खरीदेगी, मगर पुरुष को टायर अपनी इच्छा से नहीं खरीदने देगी। कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं करती, वह उसी पुरुष से प्रेम करने लगती है जो उसकी बताई कंपनी का माल खरीदता है, जैसे कि विज्ञापनों में है ना। तो सच्चा प्रेम सिर्फ कुरूप स्त्रियां करती हैं, क्योंकि वे किसी कंपनी का माल नहीं बिकवाती। तो बहुत बड़ा व्यंग इसमें, इन पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, क्या सोचते हैं इस विज्ञापन की दुनिया में, कि किस प्रकार से इन सुंदर स्त्रियों के माध्यम से विज्ञापन जगत के निर्माताओं ने हमारे दिमाग पर नियंत्रण कर लिया है कि हमने यही चीज़ खरीदनी है, हाँ इसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ अच्छी हैं, जो अच्छा बोलती हैं, अगर अच्छा बोलती हैं तो अच्छी पढ़ाई भी होती होगी, ये सब ड्रामे हैं, बस एक प्रकार का कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला सिस्टम कर दिया गया है। तो दिमागों को ऐसे ही नियंत्रण में किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। हरिशंकर प्रसाई को आपने पढ़ा, कैसे व्यंग्य करते हैं जो अपने पाठों में, अपने लेखों में, इसके बारे में पढ़ा। मास्टर कैडर में साथियों जो लगे हुए हैं बहुत ही टैलेंटेड लेखक हैं, और मास्टर कैडर सिलेबस में भी इनका नाम है निबंधकार के रूप में, तो इनको पढ़ना बहुत लाजमी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।